देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक और नई न्यू बेबी बुटीज का डिजाइन लेके आई हूँ। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये डिजाइन है। ये मैंने 3 महीने से लेके और 1.5 साल के बच्चे के लिए बनाया है। बहुत ही परफेक्ट साइज बनाया है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। 2 कलर में मैंने इसको बनाया है और बहुत ही प्यारी सी इसकी इस तरह से परफेक्ट फिटिंग बन के आई है। इसका नीचे का शोल भी देखिएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आया है और बनाना बहुत ही इजी है। सिर्फ 15 से 20 ग्राम ऊन में हमारे ये दोनों सॉक्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस बेबी बुटीज को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप इसको बनाएंगे ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी डिजाइन है। इसको आप बेबी बूट कहिएगा, बेबी शूज कहिएगा, जुराब कहिएगा या सॉक्स कहिएगा, बूटीज कहिएगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये देखिए इस तरह से हमारा बन के आया है। किसी भी कलर में आप बनाइए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने 2 कलर की वूल ली है। एक ब्लू लिया है, एक मैंने व्हाइट लिया है और 10 नंबर की मैंने यहाँ पे सिलाई ली है। तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम इसके ब्लू कलर से डालेंगे। जैसे हमने ये नीचे वाला शॉल बनाया है, पहले यहाँ से स्टार्टिंग की है हमने इसकी बनाने की। तो देखिए यहाँ से अब हम फंदे डालेंगे। इस तरह से सिंगल धागा लेंगे, ऐसे नोट लगाएंगे और ऐसे फंदा बना लेंगे इस तरह से। अब छोटे धागे को अंगूठे पे लेंगे और बड़े धागे को उंगली पे लेंगे। यहां से लेंगे, इस तरह से फंदे डालेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसी तरह से आप यहाँ पर 48 यानी 48 फंदे डालेंगे और 48 फंदे डाल के धागा ऐसे अपनी तरफ रखेंगे और दोनों तरफ से ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। 48 फंदे आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। फंदे थोड़े से लूज डालेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पर 11 सिलाइयाँ बुन लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर बनाइएगा। तो देखिए ये 48 फंदे डाल के और मैंने इस तरह से ये 11 सिलाइयाँ बुनी हैं। 6 सिलाइयाँ हमारी सीधी तरफ से ये उल्टी आई हैं और 5 सिलाइयाँ हमारी उल्टी तरफ से बनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है यानी राइट साइड है। यहाँ पर हमारी 6 रो बनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल 48 फंदे हैं। 48 3 महीने से लेके और 1.5 साल के बच्चे का परफेक्ट साइज ये बन के आएगा। अब देखिए 11वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी ये 12वीं सिलाई है उल्टी तरफ। यहाँ से अब हम व्हाइट कलर लगाएंगे। आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर व्हाइट लूंगी। तो ऐसे व्हाइट धागा यूज करते हुए पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इसको आगे की तरफ करेंगे, दबाएंगे, ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। धागे को उल्टी तरफ से ही हम ज्वाइंट करेंगे, ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब यहां से फिर से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह से अब हमारी ये सेकंड कलर की दूसरी सिलाई है। एक धारी हम ये जैसे ये हमारी सफेद की बन गई, दूसरी हमारी फिर ये ब्लू कलर से बनेगी, फिर से व्हाइट से बनेगी। तो 6 सिलाइयां हम बुन लेंगे। 2 सिलाइयां ये व्हाइट की, 2 ब्लू की और 2 फिर से व्हाइट की और फिर से 2 सिलाइयां ब्लू की। तो टोटल हम ये 8 सिलाई बना के कंप्लीट करेंगे। 2 पहले इस सेकंड कलर की, फिर से 2 सिलाइयां बेस की, फिर से 2 सेकंड की, फिर से बेस की, फिर से सेकंड की।
तो टोटल ये 8 सिलाइयाँ बना लेंगे। देखिए जिस तरह से ये डिजाइन डला हुआ है, एक धारी हमारी वाइट की है, एक ब्लू की है, फिर से एक धारी वाइट की है, फिर से एक ब्लू की है, तो इसी तरह से टोटल 8 सिलाइयाँ हम बना लेंगे। एक धारी हमारी 2 सिलाइयों में बन के कम्प्लीट होगी। तो इसी तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये 8 सिलाइयाँ बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे डिजाइन को कैसे डालेंगे। तो देखिए 8 सिलाइयाँ दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुनी हैं। 2 सिलाइयाँ ये सेकंड कलर की, 2 बेस की, 2 वाइट सेकंड की, 2 फिर से बेस की। तो ये 4 लाइनें हमारी बन के आ गई हैं। अब देखिए यहाँ से, अब ये 8 सिलाई बनने के बाद डिजाइन वाली, अब यहाँ से देखिए वाइट से बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से बुनते हुए पूरी रो को बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, यहां से इस बेस वाले धागे को कट कर लेंगे, धागा पीछे, फिर से एक सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से सीधा। अब आ जाइए सीधी तरफ। देखिए अब ये डिजाइन हमने डालना शुरू किया है, जो ये एक उल्टे एक सीधे का है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। अब ये इस डिजाइन की सेकंड रो है उल्टे सीधे की। तो देखिए उल्टा फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, ऐसे पीछे रख करेंगे, और जो सीधा फंदा है इसको बगैर बुना ऐसे ही उतारेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा है इसको बगैर बुना ऐसे ही उतार लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से सीधा फंदा स्लिप करेंगे। तो इसी तरह से इस पूरी रो को बना लेंगे। उल्टे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, जो सीधा फंदा है इसको स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा है इसको ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर उल्टा। तो इसी तरह से पूरी रो को बनाएंगे। फिर बैक से आएंगे, फिर से एक उल्टा एक सीधा दोनों फंदे बनाते जाएंगे, सीधी तरफ आएंगे, फिर से ऐसे ही बनाएंगे, उल्टे को बनाएंगे, सीधे को बगैर बुना उतारेंगे। इसी तरह से बुनते हुए हम यहाँ पर 8 सिलाइयाँ टोटल बुन लेंगे। तो ये 8 सिलाइयों का डिजाइन बन के कम्प्लीट हुआ। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए टोटल हमारे पास ये 48 यानी 48 फंदे हैं। तो इसमें से हम 19 फंदे स्टार्टिंग के इस नीडल पे उतार लेंगे बगैर बुने, ऐसे इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो देखिए ये टोटल 19 फंदे हैं, और 19 फंदे लास्ट में रख लेंगे, तो बीच में हमारे पास 19 और 19, 38 और 10, 48। तो 10 फंदे बीच में हमने, देखिए इस सॉक्स में देखिए जैसे यहाँ पे रखे हैं बीच में, ये बेस कलर के 10 फंदे हैं। तो ये 10 फंदे अब हम यहाँ पर ब्लू कलर से बनाएंगे। इस तरह से ब्लू धागा लेंगे, इस तरह इनको उल्टा उल्टा बनाएंगे, 1, 2, इस धागे को अंदर दबाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
तो देखिए अब आ जाइए सीधी तरफ। अब ये फंदे भी हमारे बगैर बुने हैं और ये फंदे स्टार्टिंग वाले भी बगैर बुने हैं। इस तरह से यहाँ से अब इस वाइट धागे को कट कर देंगे। अब बीच के फंदे ही बुनेंगे। तो 19 फंदे स्टार्टिंग में हैं और 19 फंदे ये सेकंड कलर के लास्ट में हैं। बीच में 10 फंदे हैं। तो 19 और 19 38 और 10 48। अब देखिए यहाँ से हम दोनों तरफ से एक एक फंदा कटाते जाएंगे। इस फंदे के साथ ये एक फंदा सेकंड कलर का लेके दो का एक करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे बगैर बुना। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब जो ये दसवां फंदा है इसके साथ आगे से ये एक फंदा लेंगे और ऐसे दो का एक बैक से करेंगे इस तरह से। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, इसको उतारेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब ये दसवां फंदा है, आगे से एक फंदा लेके और यहाँ पर दो का एक करेंगे। अब यहाँ से फिर वापस मुड़ेंगे। अब इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, फिर से बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब ये दसवां फंदा है, आगे से एक फंदा लेके ऐसे दो में सिलाई डालेंगे और बैक से दो का एक बनाएंगे इस तरह से। फिर वापस मुड़ेंगे, फिर ऐसे ही बुनेंगे। इसको उतारेंगे फिर से। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। ये दसवां फंदा एक आगे से दो का एक करेंगे उल्टा फंदा ऐसे। अब यहीं से वापस मुड़ेंगे ऐसे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए इसी तरह से दोनों तरफ से फंदे घटाते जाएंगे। ये 10 फंदे तो हमारे ऐसे ही चलते जाएंगे, सात से एक फंदा लेंगे दो का एक करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। तो 11 फंदे यहाँ पर रहने चाहिए और 11 फंदे यहाँ पर, तब तक हम ये घटाते जाएंगे। तो इसी तरह से इसको बुन के कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान तरीके की ये बेबी बुटीज है और बनने के बाद बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आता है। एकदम रेडीमेड लुक में हमारी ये बेबी बुटीज बन के आएगी। अब ये फंदा है, आगे से एक फंदा लेंगे ऐसे दो में सिलाई डालेंगे और बैक से दो का एक करेंगे इसी तरह से ऐसे करेंगे। तो यहाँ जब हमारे 11 फंदे रह जाएंगे तब तक हम घटाते जाएंगे। यहाँ पे भी 11 रहेंगे और यहाँ भी 11, सिलाई पे टोटल 33 फंदे हमारे बन जाएंगे। तो ये हमारी घटाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई। 11 फंदे यहाँ बचे हैं और 11 फंदे यहाँ बचे हैं। अब देखिए जो ये फंदे हैं आगे के, इनको वापस इसी सिलाई पे उतार लेंगे। जैसे ये फंदे भी हमने बगैर बुने उतारे थे और ये भी बगैर बुने ही उतार लिए। अब आज ये देखिए सीधी तरफ इस तरह से, ऐसे हमारी ये शेप सॉक्स की बन के आ गई। अब देखिए पूरी सिलाई को यहाँ से यही धागा लेंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे और पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। ऐसे सीधा बनाएंगे। देखिए जो ये धागा है नीला, इसको भी इसके अंदर ही लेंगे और साथ में बुन लेंगे। ये बैग में लंबा धागा नजर नहीं आएगा। इसको लेंगे बैक से, साथ में इसको इस तरह से बुन लेंगे।
अब देखिए यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा गैप नजर आएगा, तो नीचे से एक फंदा ऐसे उठा लेंगे, यहां से ऐसे फंदा उठाएंगे नीचे से, ऐसे फंदा उठा के ऐसे लेंगे और इसके साथ दो का एक करके बुन देंगे, तो ये गैप हमारा यहाँ पर नजर नहीं आएगा। आगे के सभी फंदे इसी तरह से बुनते जाएंगे। अब देखिए फिर यहां से भी इसी तरह से फंदा उठाएंगे, ऐसे सिलाई में लेंगे और इस आगे वाले फंदे के साथ दो का एक कर देंगे, तो ये गैप आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। आगे के सभी फंदे इसी तरह से बुनते जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई इस तरह से बन के कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये डोरी डालने के लिए इस तरह से होल बनाएंगे, तो देखिए किस तरह बनाएंगे, एच स्टिच फंदा बुनेंगे, एक फंदा और बुनेंगे, अब ऐसे धागा घुमाएंगे और दो का एक करेंगे, फिर धागा घुमाएंगे और दो का एक बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डल जाएगी, दो का एक करेंगे तो फिर से फंदा घटेगा, फिर जाली डलेगी, फिर से फंदा बढ़ेगा, तो इसी तरह से जाली डालते हुए पूरी सिलाई को हम बुन लेंगे। ऐसे धागा घुमाएंगे, दो का एक करेंगे, फिर घुमाएंगे इस तरह से, फिर से दो का एक करेंगे, फिर घुमाएंगे, दो का एक करेंगे, फिर से ऐसे घुमाएंगे और दो का एक बनाएंगे, फिर से ऐसे घुमाएंगे और दो का एक बनाएंगे, ऐसे घुमाएंगे और फिर से दो का एक बनाएंगे, तो ये हमारी इस तरह से जाली डल जाएगी डोरी डालने के लिए। दो का एक करेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे और फिर से दो का एक करेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर धागा घुमाएंगे और फिर से दो का एक करेंगे, लास्ट का फंदा फिर से ऐसे ही बुन लेंगे। अब आ जाइए देखिए यहां पर सीधी तरफ, अब पूरी सिलाई को फिर से उल्टा उल्टा बनाएंगे, जो फंदे बुने हुए हैं उनको भी बुनेंगे और जो जाली से बुने हुए हैं उनको भी उल्टा ही बनाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे, तो इस तरह से ये यहाँ पर हमारे होल बन जाएंगे जाली ये डोरी डालने के लिए। तो दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई बुनते हुए देखिए, जैसे मैंने ये डोरी डालने के लिए ये होल बना लिए, ये सिलाई अब हमारी बन जाएगी, फिर ऊपर ये बॉर्डर बनाएंगे। ये यहाँ पर मैंने देखिए 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, 9 सिलाई बुनी है, 10वीं सिलाई में हम फंदे बंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम बुनते जाएंगे, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए 9 सिलाइयाँ बुनेंगे, तो ये जाली से ऊपर बॉर्डर बन के कम्प्लीट हुआ। अब आ जाइए उल्टी तरफ, तो देखिए यहाँ पर हमारी ये 1 2 3 4 5 5 लाइनें सीधी तरफ हैं और 4 लाइनें हमारी 1 2 3 4 उल्टी तरफ है। तो अब ये हमारी यहाँ पर 10वीं सिलाई है, अब हम ये फंदे बंद करेंगे, तो दो फंदे लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके दो का एक करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके दो का एक करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से दो का एक करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके दो का एक करेंगे। इस फंदे को ज़्यादा नहीं टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, नॉर्मल रखते हुए सभी फंदों को बाइंड ऑफ यहाँ लास्ट तक कर लेंगे।
तो ये सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे क्योंकि इसी से ही हम सिलाई करेंगे। और इस फंदे के अंदर से ऐसे निकाल के इसको इसकी नोट ऐसे लगा लेंगे, इसको टाइट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये सॉक्स बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई हम इसकी सीधी तरफ से ही करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को इस तरह पकड़ेंगे, धागे को डाल लेंगे और यहाँ से नोट लगा के इसको एक बार पक्का करेंगे। अब देखिए इस लाइन के अंदर लाइन को मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। एक बार इस लाइन का फंदा उठाएंगे, एक बार इस दूसरी तरफ से फंदे को उठाएंगे, फिर यहां से उठाएंगे, बारीक बारीक टांके लगाते हुए फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करेंगे। पता भी नहीं चलेगा कि ये सीधी तरफ से सिला हुआ है या अंदर की तरफ से सिला हुआ है। एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक फंदा यहाँ से लेंगे। तो इसी तरह से इसको यहाँ से यहाँ तक इस लाइन के अंदर लाइन को मिलाते हुए, डिजाइन के अंदर डिजाइन को सेट करते हुए इसकी इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाएंगे और इसकी सिलाई करते जाएंगे। सीधी तरफ से जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई बन के आती है। इस तरह से बारीक बारीक टांके लगाएंगे। देखिए बैक वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सिल के पता भी नहीं चलेगा कहाँ से सिलाई की है। अब इसका ये शोल वाला पार्ट सिल लेके आगे का इतना पार्ट खुला रखेंगे और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ तक सिलाई कर ली है, आगे का 1 इंच का पार्ट बचा है, इसको राउंड में सिल लेंगे। दोनों को नहीं सिलेंगे, एक तरफ से इस तरह से इसके राउंड में सुई को निकालते हुए इस तरह अब इसको ऐसे टाइट करेंगे इस तरह से। तो ये यहाँ से बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई बन के आएगी एकदम राउंड में। अंदर की तरफ करेंगे इसको टाइट करके इस तरह से और इसकी यहाँ पे सिलाई पक्की करके और इसको नोट लगा देंगे। और अब इस धागे को यहाँ से कट करेंगे। तो देखिए सिलाई होने के बाद फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। दोनों बूट हमारे ये बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही प्यारे से परफेक्ट आई है, शेप बन के आई है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया है। 3 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चों को ये आराम से आएगा। परफेक्ट साइज है, जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारे ये बेबी बूट कैसे लगे और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।